الطاهرين المعصومين المنتدبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله الدائمة الباقية القائمة على أعدائهم وغاسري حقوقهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد جاء في التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. सबसे पहले तर्जुमा अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला अपने हबीब से खिताब करके इरशाद फरमा रहा है कि पैगंबर काफिरों से, मुशरिकों से, मुनकिरों से, बेदीनों से ये कह दीजिए कि हमारी नमाजें, हमारी इबादतें, हमारी ज़िंदगी, हमारी मौत ये सब अल्लाह के लिए, वो अल्लाह जिसको कोई शरीक नहीं और मैं इसी अमर पे मामूर हूँ उसकी तरफ से और मैं उसकी बारगाह में सर तस्लीम खम करने वालों में सबसे पहले हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, सूरह अनआम की ये दो आयतें, आयत नंबर 162 और आयत नंबर 163, मुसलसल इन दोनों आयतों की तिलावत की शरफ आपकी खिदमत में हासिल कर रहा हूँ और इन दोनों आयतों के ज़ैल में जो मौजू मौलिद गुफ्तगू है वो है कानून मर्कज़ियत और इस्लाम। कल की मजलिस में मैंने गुफ्तगू यहाँ तक पहुँचाई थी कि जब हम दीन इस्लाम का जायजा लेते हैं तो एतकादात से लेकर अहकाम तक, उसूल से लेकर फुरू तक, इबादत से लेकर मुआमलात तक, जितने भी कुल्लियात और जुज़ियात हैं हर जगह कानून मर्कज़ियत इस्लाम में हाकिम नजर आता है। चुनांचे इस्लाम के एतकादात में सबसे अहम तरीन अकीदा है जिसे कहते हैं तौहीद। चुनांचे परवरदिगार आलम ने जिस तरह से एतकादात को पूरे दीन में बुनियादी हैसियत दी है उसी सूरत से अकीदा तौहीद एतकादात इस्लामिया में बुनियादी हैसियत रखता है, यानी पूरे दीन की बाज़गश्त अकीदा तौहीद की तरफ है। तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत, अकीदा दोज़ख, अकीदा जन्नत, अकीदा सज़ा, अकीदा जज़ा, अकीदा शफ़ाअत, जितने एतकादात और इसी सूरत से जितने अहकाम हैं नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ख़ुम्स, जिहाद, अम्र बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, तवल्ला, तबर्रा, हुकूक, अख़लाक़ियात, तालीम व तरबियत, जितने भी इंसानी ज़िंदगी के मसाइल तमाम अहकाम, तमाम फ़ुरूअ, इनकी भी बाज़गश्त अकीदा तौहीद की तरफ। और हमें अकीदा तौहीद को समझना है किस चीज के लिए, समझना है किस चीज से, हर जगह कानून मर्कज़ी। हमें अकीदा तौहीद को समझना है अक्ल के जरिए। अक्ल हमारे वजूद में मर्कज़ी हैसियत रखती है। देखिए, मर्कज़ियत हर जगह है, अक्ल हमारे वजूद में मर्कज़ी हैसियत रखती है। कल कर रहा था कि अल्लाह ने जितनी भी नेमतें इंसान को अदा की हैं, ज़ाहिरी नेमतें, बातिनी नेमतें, मादी नेमतें, मानवी नेमतें, अदना दर्जे की नेमतें, आला दर्जे की नेमतें, औसत दर्जे की नेमतें, वो नेमतें जिन्हें हम महसूस करते हैं, वो नेमतें जो हम महसूस नहीं कर पाते, बेशुमार नेमतें जिनके बारे में कुरान कह रहा है अल्लाह ने तुम पर अपनी ज़ाहिरी और बातिनी तमाम नेमतों को फैला रखा है, तुम उसकी नेमतों में गर्क हो। और मैंने मौला कायनात के इरशाद के हवाले से आपकी खिदमत पेश किया था कि इमाम ने चार अहम तरीन नेमतों को शुमार किया, उनमें एक अहम तरीन नेमत जिंदगी की नेमत और हमारे और आपके पांचवें इमाम हजरत इमाम मुहम्मद जिंदगी की नेमत के सिलसिले में फरमाते हैं कि ये एक ऐसी अजीम नेमत है कि इसमें वो इंफिरादियत पाई जाती है जो दूसरी नेमतों में नहीं है। दूसरी नेमतों में और इस नेमत में फर्क यह है, इंफिरादियत यह है कि दुनिया में कोई भी बड़ी से बड़ी नेमत, नेमत की जब ज्यादती होती है, फरावानी होती है, तो इंसान का दिल उससे बह जाता है। कोई भी निमत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो कितनी अहम क्यों ना हो, लेकिन जहां उसकी ज्यादती हुई इंसान का दिल उससे भर जाता है। पैसा ही क्यों ना हो, पैसा की जो आज की दुनिया में सबसे बड़ी नेमत समझा जाता है, सबसे अजीब चीज जिसे समझा जाता है, जिसके लिए इंसान जी रहा है, जिसके लिए इंसान मर रहा है, इसकी भी फराहमी हो जाती है तो इंसान का दिल इससे भर जाता है। लेकिन इमाम फरमाते हैं कि सिर्फ जिंदगी एक ऐसी अजीब नेमत है कि जितनी भी मिकदार में इंसान को आता हो कभी उससे उसका दिल नहीं मरता है। यानी अगर इंसान कितना ही क्यों न जिंदा रहा हो, उम्र नूर क्यों न उसे मिल गई हो, लेकिन जब भी उसके दिल की गहराई में आप छान के देखेंगे तो उसके अंदर मजीद जीने का और जिंदा रहने का हौसला पाया जाए। हो सकता है बातों या ये सोचिए साहब, लेकिन हमने तो बहुत से लोगों को देखा है कहते हुए साहब जिंदगी से दिल भर गया है, अब जिंदगी से तबीयत उब गई है, अब हम मौत की दुआ कर रहे हैं। अजीज़ान मोहतरम, ये बात सिर्फ जबानी है, ये बात सिर्फ जबानी है। अगर आप उस शख्स के भी दिल में झांक के देखेंगे तो उसके दिल में भी मजीद जीने की तमन्ना पाई जाए। इस बात की अक्कासी एक वाकया करता है जिसे लतीफे के तौर पर बयान किया जाता है। वाकया सच्चा हो या गलत हो, लेकिन इंसानी नफ्सियात की भरपूर अक्कासी करता है। एक लकड़हारा था, रईस इंसान, जंगलों में जाता था, लकड़ियां काट के लाता था, शाम को बाजार में फरोख्त करता था, उससे जो कुछ पैसे मिलते थे उसे वो अपने घर का साथ चलाता था, आजुका फराहम करता था। लेकिन ये रोज रोज की मशक्कतों भरी जिंदगी उससे वो आज ही ना चुका था। एक दिन जब अपने सर पे लकड़ियों का गट्ठर लेके चला तो फिर उससे चला न गया और उसने लकड़ियों का गट्ठर जमीन पे दे मारा। जमीन पे लकड़ियों का गट्ठर फेंकने के बाद वो चीखने लगा, कहां है मलकुल मौत, अब जल्दी कर दे, मुझसे ये जिंदगी बर्दाश्त नहीं होती। अब इसे आप सुए इत्तेफाक नहीं या हुस्न इत्तेफाक नहीं। एक शख्स उसकी आवाज सुन रहा था, वो भी वहां पहले से मौजूद था, इसी सिलसिले में गया होगा नहीं, मौजूद था। जैसे ही उसने इसकी आवाज सुनी फौरन सामने आ गया, कहा और किसलिए बुलाया मुझे, मैं हूं मलकुल मौत। अच्छा उसने भी कहा आवाज देखा तो क्या यकीनन यही मलकुल मौत हो सकते हैं, कुछ ऐसा भयानक किया था, कुछ ऐसा डरावना कि आप बता कि समझे यही हो सकता है मलकुल मौत। आप जो देखा कि ये मलकुल मौत है, मौत करीब आ चुकी है, तो कहता कुछ नहीं सरकार, मैंने सिर्फ इसलिए जहमत दी है कि आप ये लड़कियों का गठो उठा के मेरे सर पर मैं सलाम पढ़ दे मोहम्मद वाले। तो इससे इंसान की नफ्सियत का अंदाजा होता है कि इंसान कितना ही क्यों न चीजे और जिंदगी में कितनी ही उसे मशक्कत क्यों न करना पड़ती हो, जिंदगी में कितनी ही मेहनतों का उसे क्यों ना सामना करना पड़ता हो, जिंदगी उसके लिए कितनी ही कठिन क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसके दिल में और जीने का और जिंदा रहने का हौसला और उसकी आरज़ू पाई जाती है। यही इमाम फरमाते हैं हमारे पास इमाम के हर नेमत से दिल भर जाता है, लेकिन जिंदगी की नेमत से दिल नहीं भरता। तो जिंदगी कितनी अजीब नेमत, लेकिन इस जिंदगी के लिए परवरदिगार आलम ने जिस चीज को मरकज करार दिया है वो है अक्ल। जिंदगी को चाहिए कि वो अक्ल के मरकज की तरफ गर्दिश करती रहे। चुनांचे हमें अगर अपने ये इतिकादात को समझना है और खास तौर पर तौहीद को, तो हमें आपने इस्तेमाल करना की खिदमत में हवाला दिया था। मौलाए कायनात की खिदमत पेश साहब से पूछा, मतलब ये तुम्हारा इस पाकिस्तान है, इस कायनात के बनाने वाले के वजूद में क्या दलील है? इमाम ने शख्सियत का हवाला देकर उसे खुदा के वजूद को नहीं बनवाया, कुरान का हवाला देके अल्लाह के वजूद को नहीं बनवाया, किसी भी चीज से पैगंबर की तालीमात का हवाला देकर खुदा को नहीं मनवाया, बल्कि उसने दलील पूछी, ऊँटों का चल रहा था, इमाम ने दलील दी। ऐसे ही तो एक नमूने मुख्तसर पेश करके आपकी को मैं बात बागे बढ़ा दूं। हमारे आलम के छठी इमाम सादिक आलम अहमद में एक शख्स आया और आने के बाद उसने कहा मत दलील वहां इस पाकिस्तान है, इस कायनात के बनाने वाले के वजूद पे दलील क्या है? बस आप इतना खुदा का कलमा पढ़ते हैं, उसकी इबादत करते हैं, दलील क्या है उसके वजूद पर? अब देखिए इमाम ने उसे कैसे समझाया, वो जो कानून मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था, असर को देखो मुअस्सिर को पहचानो, निशानी को देखो और साहिब निशानी का पता लगाओ। अब इस हकीकत की तरफ हमारी रहनुमाई कर दी। इमाम ने इसी जाविये से, इसी पहलू से उसे दलील दी। सामने इत्तेफाक से किसी परिंदे का अंडा रखा हुआ था। अब वो चाहे मुर्जी का रहा हो या इमाम ने उसे उठाया और फिर उसके हाथ में दिया कि इसे देख अच्छी तरह से। उसने देखा घुमा के देखा, जब फायदे से देख चुका है मैंने पूछा ये बता कि इसके अंदर कोई सुराख है? कब कोई सुराख नहीं है। आप मुझसे सुन, इस अंडे के मिसाल एक तले की, एक ऐसा तला जो ऐसी फसील के दरमियान मुहित है, ऐसी फसील के दरमियान महसूर है जिसमें कोई सुराख नहीं। और वो फसील क्या है? इमाम की ताबीरात, वो फसील क्या है? अंडे की ये ऊपर का छिलका जो साफ होता है, और फिर इस फसील के बाद एक रकीक पर्दा है अंदर की जिंदगी तवज्जो, और उस रतीब पर्दे के बाद दो दरिया हैं जो जारी, एक जहाजी का दरिया और दूसरा सोने का दरिया। कुर्बान जाइए इमाम की तामीरात के, एक चांदी का दरिया, दूसरा सोने का दरिया, दो पहनने वाली चीजें, दो सयाह। और ये देख कि दोनों अपनी अपनी हद पे कायम है। न चांदी का दरिया सोने के दरिया में इंतजाम होता है, न सोने का दरिया चांदी के दरिया में इंतजाम होता है। या फिर चांदी के दरिया और सोने के दरिया से किस चीज को ताबीर किया? सदैली और जरदी, दोनों पहनने वाली चीजें, लेकिन दोनों अपनी अपनी हद में कायम। न जरदी सफेदी में मिलके अपना वजूद खोती है, न सफेदी जरदी में मिलके अपने वजूद को खोती। अब वो इमाम एक एक असर की तरह मुतवज्जे कर रहे, निशानियां, निशानी को देखो, साहिब निशान को पहचानो, चनाचे आसार की तरह मुतवज्जे कर रहे हैं। और फिर उसके बाद देखिए, अगर इसी मिसाल में गुफ्तगू की जाए तो उसके लिए खासा वक्त दरकार है। इमाम ने इमाम का कलाम था, कलामुल इमाम, इमामुल कलाम। इमाम की ताबीर सिर्फ इस मुनासिबत से नहीं है कि चांदी को चांदी चूंकि सफेद होती है लिहाजा सफेदी को इमाम ने चांदी कह दिया, जर्दी चूंकि जर्द रंग की होती है, सोना भी जर्द होता है लिहाजा इमाम ने उसको सोने से ताबीर कर दिया। अजीज़ान मोहतरम, ये तो सच्ची ताबीर का अनुमान है, लेकिन हकीकतन मानवी ताबीर भी इसमें छुपी हुई है। अजीज़ान मोहतरम, चांदी सोने के मुकाबले में सस्ती होती है, सोना चांदी के मुकाबले में महंगा होता है, कीमती होता है। चांदी कम कीमत की होती है, सोना ज्यादा कीमत का होता है। इमाम सफेदी को चांदी से ताबीर कर रहे हैं, जर्दी को सोने से ताबीर कर रहे हैं। गोया इमाम बताना चाहते हैं सफेदी में कम फायदा पाया जाता है, जर्दी में ज्यादा फायदा पाया जाता है। कि दो बहने वाली चीजें मगर दोनों अपनी हद पे कायम, एक दूसरे से मिलके अपने वजूद को खत्म नहीं करती। फिर इमाम ने ये बता कि अभी तूने रिपोर्ट किया इसके अंदर कोई सुराख नहीं, कहने को ये बता कि इसके अंदर आज तक कोई जानदार गया? तवज्जो, इसके अंदर बाहर से कोई जानदार दाखिल हुआ? उसने कहा नहीं, इसके अंदर तो कोई जानदार नहीं दाखिल हुआ। फिर इमाम कहा लेकिन इसके अंदर से एक जानदार बाहर आता है। इसके अंदर कोई जानदार नहीं गया, लेकिन इसके अंदर से एक जानदार बाहर आता है। ये बता कि मोटी दीवार के बाहर एक ऐसा पर्दा जो रकीक है, एक ऐसी चीज जिसमें कोई दाखिल न हुआ, जहां अंधेरा ही अंधेरा है, बता कि वो कौन सा है जो किसी जानदार को वजूद अदा करती है? परिंदे के एक अंडे को करार दिया। उसने अंडे को गौर से देखा इमाम के इस्तेदलाल को सुना और अजहर से मुअज्जिन को पहचाना। जब बात उसकी समझ में आ गई तो कहता है फर्जंद रसूल गवाह रहिएगा, मैं अहमद के हाथों पे ईमान लाता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। लेकिन मैं एक जुमला कहूंगा आगे कि उसने तौफीक थी, तौफीक परवरदिगार शामिल थी, दिल अंदर से पाक-ओ-पाकीज़ा था, लिहाजा अंडे को देखा और खुदा समझ में आ गया। और यहाँ कितने मुसलमान हैं जो दिन रात कितने अंडे पराठे खा जाते हैं, उसके बावजूद खुदा समझ में नहीं आता है। मोहतरम, वही लोग जिनको खुदा नहीं समझ में आता है उनको रसूलुल्लाह भी नहीं समझ में आते हैं, और जिनको रसूलुल्लाह नहीं समझ में आते हैं उनको अहले बैत भी समझ में नहीं आते। और यही सिलसिला ऊपर की तरफ भी जाता है, जिन्हें अहले बैत नहीं समझ में आते हैं उन्हें रसूल नहीं समझ में आते, जिन्हें रसूल नहीं समझ में आते उनको कभी खुदा समझ नहीं आता। तो अकल को अपील किया है इस्लाम ने, अकल इंसान के वजूद में मरकजी जौहर का नाम है। अक्ल से एतकादात को समझो, दलील से अपने एतकादात को समझो। दलील का अदना तरीन फायदा यह है कि कम से कम तुम्हारा नफ्स बुत नहीं होगा, तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकेगा, तुम्हें कोई मुनहरिफ नहीं कर सकेगा, तुम्हें कोई मिसगाइड नहीं कर सकेगा। आज आखिर हमारा सबसे बड़ा मसला है क्या है? हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमने अपने मजहब की बुनियादों को वाकईन दलील से नहीं समझा। हम मुसलमान हैं, हम शिया हैं, हम मोमिन हैं, हम दुर्दारान अहले बैत हैं, हम अज़ादार हुसैन हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। लेकिन बाप दादा की पैरवी है, सोसाइटी की पैरवी है, जिसकी तरफ इशारा कर रहा था, माँ बाप की पैरवी है, जिस माहौल में हमने आंख खोली, जिस खानदान में अल्लाह ने हमें पैदा कर दिया, वहां जो मजहब फॉलो किया जा रहा था अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उसको फॉलो कर रहे हैं। ये तो अल्लाह का उसको एहसान है कि उसने हमें मोमिन क्या पैदा कर दिया, लेकिन खुद हमें रहसत का कोई जज्बा नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर हमें कुफर मुशरिकीन क्या पैदा कर दिया होता, अगर वो परस्तों में पैदा कर दिया होता, अगर यहूदियों में पैदा कर दिया होता, अगर ईसाइयों में पैदा कर दिया होता, तो चूंकि हमारे अंदर ये जज्बा नहीं है कि हम हक को समझें और दलील से समझें, तो फिर हम खैर से वही कुछ होते जहां पैदा किया होता। ये उसका एहसान है, उस परवरदिगार आलम का एहसान है कि उसने हमें दो दारान अहले बैत में पैदा किया, शियों में पैदा किया, मोमिनीन में पैदा किया, दो दारान अली में पैदा किया। अब अज़ीज़ान मोहतरम, हमारा एक मरहला पहले से सर है, अब हमें रास्ता नहीं तलाश करना है, रास्ता तो मौजूद है, बस उस रास्ते की हक्कानियत को समझना है, उस रास्ते की खूबियों को समझना है, उस रास्ते की अच्छाइयों को समझना है। यकीन कीजिए जितना ज्यादा आप इस रास्ते की अच्छाइयों को समझते जाएंगे उतना ही ज्यादा अहले बैत की अजमत का अंदाजा होता चला जाएगा, जितना ज्यादा अहले बैत की अजमत का अंदाजा होता जाएगा उतनी ही ज्यादा उनकी मोहब्बत आपके दिल में पैदा होती चली जाएगी, जितना ज्यादा मोहब्बत पैदा होती चली जाएगी उतनी ही ज्यादा उनके मुदी व फरमाबरदार बनते चले जाएंगे, जितना ज्यादा मुदी व फरमाबरदार बनते चले जाएंगे उतना ही ज्यादा बंदगी के मंदिर में आगे बढ़ते चले जाएंगे, जितना ज्यादा बंदगी के मंदिरों में आगे बढ़ते चले जाएंगे उतना ही ज्यादा तक़व्वुफ़ इलाही के मंदिरों में फायद होते चले जाएंगे। और इस तरह से दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें कोई गुमराह न कर सके, इसलिए हमें मासूमीन ने तालीम की है कि हमें अपने दीन को खुद समझना है और दलील समझना है, इस्तेदाद से समझना है और दलील भी पहुंचना है। ये मुतालबा नहीं किसी से कि हर शख्स कौन चला जाए, हर शख्स नजफ चला जाए, हौज़ा इल्मिया में जाके अपना नाम लिखाए। बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें इल्म कलाम में जो पढ़ाई जाती है उन्हें पढ़े, फलसफे और मंतिक के जरिए से इस्तेदलाल करें, अपने जहन की रगे खुश करें, उसके बाद तब खुदा को समझिए। बल्कि हम जहां कहीं भी हैं वहां रहकर अपने एतकादात को समझ सकते हैं। यही मजहब हक्का की सबसे बड़ी खूबी है। अजीजान मोहतरम, दीन के तमाम एतकादात को और खास तौर पर तौहीद परवरदिगार और इस तरह के जितने मसाइल हैं, इन्हें जहां बड़ी बड़ी इल्मी दलीलों से फलसफियाना इस्तेदलाल से समझा जाता है, वहीं इसे रोजमर्रा की छोटी छोटी दलीलों से भी समझा जा सकता है। क्या आप भूल सकते हैं इस बात को अजीजान मोहतरम कि जहां जब गुफ्तगू छिड़ती है तो आयतुल्लाह जैसी शख्सियतें फलसफतोना और इक्तिसादोना जब दिखती हैं तो खुदा के वजूद पे किस तरह से बहस की जाती है, और उसी सूरत से ये इतना सादा मजहब कि एक बुढ़िया चरखा चलाते चलाते रोक देती है और चरखे के जरिए खुदा के वजूद को समझा देती है। तो इसके लिए जरूरी नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि अल्लाह ने तो हमें एक अजीम दरगाह फराहम कर दी है, जिसकी तरफ मैं पहले दिन गुफ्तगू कर रहा था, वो है फर्श-ए मजलिस हुसैन। फर्श-ए मजलिस हुसैन ये रिश्ता है हकीकतन जिक्र हुसैन के, लेकिन जरा जिक्र हुसैन की अजमत को मुलाहिज़ा फरमाइए, जरा जिक्र हुसैन की जामियत को तो देखिए, जरा जिक्र हुसैन की बुसातों को तो देखिए कि कितना वसी है इस जिक्र का नाम। बज़ाहिर हो रहा है हुसैन का जिक्र, लेकिन इस जिक्र के दायरे में कौन सा ऐसा तज़किरा है जो नहीं होता है। लेकिन इस एक तस्करे के दायरे में दीन का हर मसला दे फैसला कौन सा ऐसा मौजूद है जो यहाँ पे बयान नहीं होता, उसूल नहीं बयान होते, फुरू नहीं बयान होते, तौहीद का बयान यहाँ नहीं होता, कि अर्ज यहाँ नहीं बयान होता, कि नबूवत यहाँ बयान नहीं होती, कि इस्मत यहाँ बयान नहीं होती, कि अकीदा इमामत यहाँ बयान नहीं होता, कि अकीदा क़यामत बयान नहीं होता, कि अकीदा बरज़ख़ नहीं बयान होता, कि अकीदा महशर नहीं बयान होता, कि अकीदा क़ब्र हश्र नहीं बयान होता, कि अकीदा सिरात व मीज़ान नहीं बयान होता, कि अकीदा जन्नत व दोज़ख़ नहीं बयान होता, कि नमाज़ नहीं बयान होती, कि रोज़ा नहीं बयान होता, कि हज नहीं बयान होता, कि ज़कात नहीं बयान होती, कि अखलाकी मसाइल नहीं देने बहस आते, तालीमी मसाइल देने बहस नहीं आते। कौन सी ऐसी चीज है तारीख नहीं बयान होती है, कि फजाइल नहीं बयान होते, सब कुछ बयान होते हैं, सब कुछ। चुनांचे ये एक फर्श ऐसा है कि इस तरह के आदमी बैठे और लेके उठने के इरादे से बैठे तो यकीन कीजिएगा कि जब भी उठेगा तो उसका दामन मुराद मुमारफत की रोटियों से भरा होगा। लेकिन हकीकत यहाँ पे एक जुमला कह के बात को आगे बढ़ाऊं, जरूरत इस बात की है कि आप फर्श मजलिस पे बैठने के मकसद को अपने सामने रखें, इसलिए इंसान किसी भी मसले में उसी मकसद को अचीव करता है जो उसके जहन में पहले से मौजूद है। अगर मकसद जहन में नहीं है तो फिर वो फायदा नहीं हासिल करता। हम पूछते हैं कि हमारे और आपके फर्श मजलिस पे आके बैठने का जो असल मकसद है वो क्या है। आमतौर पर लोग ये कहेंगे सब सवाब आजरे उखरवी, हम सवाब के लिए मजलिस में आते हैं, सवाब के लिए मिल जाते हैं। मैं पूछता हूं कि क्या वाकई सवाब ही इस मजलिस का असल मकसद है? देखिए मकसद दो तरह के होते हैं, एक असल मकसद और एक जिम्मी मकसद। सवाब असल मकसद है और सवाब असल मकसद आप कैसे बना सकते हैं? तवज्जो, हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए जहनों को शौक लग रहा हो 12 साल को, देखिए मैं सवाब कैसे मकसद बन सकता है, आप कैसे सवाब को मकसद बना सकते हैं। इसलिए कि सवाब क्या आपके इख्तियार की चीज है, सवाब अल्लाह के इख्तियार की चीज है। अल्लाह किसी भी काम के सिलसिले में, किसी भी मसले में सवाब अपने मेयारों से देता है, हमारे मेयारों से नहीं देता। उसके यहाँ सवाब का मेयार क्या है? उसके यहाँ सवाब का मेयार यह है कि जो काम की खालिसतन लिवजहिल्लाह, अल्लाह और रसूल की खुशनुदी के लिए अंजाम दिया जाए उसका सवाब मिलेगा। तवज्जो, कोई भी काम अगर आप पानी भी पी रहे हो तो बताने लगा तो वो भी इबादत है, और अगर नमाज भी पढ़ रहे हो रियाकारी के साथ वो भी इबादत नहीं है। तो हर अमल तो अल्लाह के लिए हो, जिसमें लिल्लाहियत पाई जाती हो, जो खालिसतन लिवजहिल्लाह हो, वो इबादत है और उसमें सवाब मिलता है उनकी तरफ से, और वो सवाब देने के सिलसिले में ऐसा करीम है, ऐसा करीम है कि अज़ीज़ान मोहतरम दो पहलू हैं, एक सवाब का पहलू तो दूसरी तरफ गुनाह का भी तो पहलू है। हम अच्छे भी काम करते हैं और बुरे भी काम करते हैं, अच्छे कामों पे सवाब मिलता है, बुरे कामों पे अल्लाह के हकदार बनते हैं गुनाह तवज्जो, लेकिन उसकी रहमत में मुलाजा फरमाइए। गुनाह करने वाले ने गुनाह किया, दो फरिश्ते हैं लिखने के लिए, एक नेकी का फरिश्ता और एक बदी का फरिश्ता। आपके ख्याल में दोनों में सबसे ज्यादा बिजी कौन रहता है, नेकी वाला फरिश्ता या बदी वाला फरिश्ता? आप यही कहेंगे बदी वाला, लेकिन मैं कहता हूं जी नहीं, सबसे ज्यादा बदी वाला फरिश्ता बिजी नहीं रहता बल्कि नेकी वाला फरिश्ता बिजी रहता। क्यों? इसलिए उसे अपने हिस्से का भी काम देखना है और उसको भी देखना है, बदी वाले फरिश्ते को भी। वो कैसे? इधर इंसान ने गुनाह किया, फौरन उसने कदम उठाया, लेकिन उसने रोक दिया, खबरदार अभी मत इतना, अल्लाह ने मौका दिया, हो सकता है तौबा कर ले, हो सकता है तौबा कर ले। थोड़ा सा वक्त गुजरा, उसे फिर लिखना चाहा, उसे फिर उसे रोका, खबरदार अभी मत लिखना, अभी उसकी मोहलत बरकरार है। फिर उसने लिखना, थोड़ा वक्त आपके गुजरने के बाद फिर उसने रोका, यहां तक कि 7 मोहलतें मिलती हैं परवरदिगार की तरफ से। 7 मोहलतें, 7 मोहलतों के बाद जब इंसान तौबा नहीं करता तब उसका गुनाह दर्ज किया जाता है, तब उसका गुनाह दर्ज किया जाता है। यह है बदी वाले फरिश्ते की सूरत हाल। नेकी वाला फरिश्ता अपना भी काम कर रहा है और बदी वाले फरिश्ते से भी कह रहा है अभी न लिखो, अभी न लिखो, अभी न लिखो। और अज़ीज़ान मोहतरम, बदी वाला फरिश्ता उस पर गुनाह लिखेगा जब वो गुनाह कर ले और 7 मोहलतों के बाद भी तौबा न करे तो उसका कदम देर से उठता है। लेकिन नेकी वाला फरिश्ता सिर्फ इस बात पर मुंतज़िर नहीं रहता कि ये नेक काम करे तब लिखे, बल्कि इसने नेक काम का इरादा किया और लिखा जाने लगा। तो नेक काम का इरादा किया और नामे अमाल में लिखा जाने लगा। चुनांचे आपने मजलिस में इरादा किया आने का, घर से बाहर निकले, गाड़ी में बैठना चाहते थे, नामे अमाल में आपके सामने किया कि नहीं किया? तवज्जो, नामे अमाल में आप मस्जिद में आ रहे हैं, मस्जिद हुसैन के फर्श पे जा रहे हैं, अल्लाह के लिए जा रहे हैं, खालिसतन लिवजहिल्लाह जा रहे हैं, कोई दुनियावी पहलू नहीं है, आजादारी के लिए जा रहे हैं, फौरन उसका सवाब भी दिया गया। हो सकता है कि आप मस्जिद के फर्श पे ना आ सके, कोई मेहमान आ गया, खुदा न खास्ता कोई दुश्वारी पेश आ गई, आपको किसी दूसरे काम के लिए जाना पड़ गया, लेकिन चूंकि इरादा किया था मस्जिद के फर्श पे आने का, वैसा ही सवाब मिला जैसा यहाँ आने वालों को मिला, वैसा ही सवाब मिला। तो अजीजों, सवाब अल्लाह के हाथ में है, सवाब और अजर का मसला अल्लाह के इख्तियार की चीज है, अल्लाह अपने मियारों से सवाब देता है। लिहाजा मकसद उस चीज को नहीं बनाते जो दूसरों के इख्तियार की हो, मकसद उस चीज को बनाते हैं जो हमारे इख्तियार की हो। और हमारे इख्तियार की चीज क्या है? हमारे इख्तियार की चीज ये है कि हम जब फर्श मजलिस पे आए तो ये सोच के आए कि हमें अपने दामन-ए-मुराद को इल्म और मारिफत के मोतियों से भरपूर देना है, इल्म और मारिफत के मोतियों से भरपूर उठना है। जब हम इस इरादे के साथ आएंगे तो यकीन कीजिए कि हम इस मकसद को लेके जाएंगे। क्यों? इसलिए कि जो मकसद ज़हन में होता है वही हासिल होता है। मैं इस सिलसिले में अपने एक उस्ताद रहमतुल्लाह अलैहि ने कराची की एक मिसाल अर्ज कर दूं। आज जरा सा मुझे इजाजत दीजिए। रहमतुल्लाह अलैहि कराची दर्ज देते देते कहने लगे कि एक शख्स 1 घंटे से दीवार पे लगी हुई घड़ी को साफ कर रहा है, उसके शीशे पे गंदों को बात कर रहे हैं, उस पर लिक्विड छिड़क के साफ कर रहा है। आधे घंटे से उसकी नजर शीशे पे और घड़ी के टायर पे, सुनिया चल रही, उन्हें ही देख रहा है। इतने में आप आए, आपने पूछा कैमरे में। अब उसने घड़ी देखी और घड़ी देखकर कहा कि 9:10 हुए। आपने कहा भैया इतनी देर से घड़ी साफ कर रहे हो, ये वक्त बताने के लिए दोबारा घड़ी देखने की क्यों जरूरत पेश है? वक्त देखने के लिए दोबारा घड़ी देखने की क्यों जरूरत? हमेशा। तो वो कहेगा साहब मैं इतनी देर से घड़ी जरूर देख रहा था लेकिन वक्त देखना मेरा मकसद नहीं था बल्कि घड़ी को साफ करना मेरा मकसद था। घड़ी के डायल में नजरें थी मगर फिर भी हम वक्त से गाफिल थे, फिर भी हम वक्त से गाफिल थे। जब तुमने वक्त पूछा मैंने वक्त देखने के इरादे से घड़ी को देखा तब हमें वक्त दिखाई दिया। तवज्जो। तो इसका मतलब यह कि जिस मकसद से आज जो काम करेंगे वही मकसद हासिल होगा। चुनांचे जब तक खाली सवाल के लिए फर्श पे आके बैठेंगे तो मुमकिन है सवाल मिल जाए मगर खाली दामन आए थे खाली दामन वापस जाएंगे, लेकिन जब वो हमारे साथ मकसद पर आके आएंगे तो खाली दामन आए थे दामन भर के वापस जाएंगे। को दलील समझो। और कल मैं जिस दलील की गुफ्तगू कर रहा था वो है असर को देखो मौसम का। अल्लाह ने इसी कायनात में बेशुमार निशानियां दे रखी और उन निशानियों पे गौर व फरोस हमारी जिम्मेदारी पर। अजीजान मोहतरम, परवरदिगार आलम ने कैसी कैसी निशानियां बनाई। कुछ वो निशानियां बनाई जो अदना दर्जे की, कुछ वो निशानियां बनाई जो आला दर्जे की, कुछ वो निशानियां बनाई जो खामोश है, कुछ वो निशानियां बनाई जो मुतहर्रिक हैं, कुछ वो निशानियां बनाई जो औसत दर्जे की हैं। तवज्जो, छोटी निशानियां भी बनाई बड़ी निशानियां भी बनाई। परवरदिगार आलम ने बेशुमार निशानियां बनाई और इन निशानियों की तरफ मुतवज्जह करना अपने नबी की जिम्मेदारी करार। तवज्जो, पढ़िए सूरह जुमा, हुवल्लज़ी बअस फ़ी उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही। ये वो नबी है कि ये इन लोगों के सामने अल्लाह की निशानियों की तिलावत करता है। जाहिर है आयात मुराद कुरान की आयतें भी हैं और आयत मुराद अल्लाह की निशानियां। अल्लाह की निशानियों पर मैं कहूंगा रसूलुल्लाह आपने कब लोगों के सामने अल्लाह की निशानियों को तस्करा किया? कब जमीन को पहचानवाया, कब आसमान को पहचानवाया, कब सूरज को पहचानवाया, कब चांद को पहचानवाया, कब दरियाओं को पहचानवाया, कब समंदरों को पहचानवाया। ये सब तो अल्लाह की निशानियां हैं। इनका तस्करा कब आया आपके नबी पर? आवाज आएगी कि निशानियों और तरतीब को याद रखना। निशानियां छोटी भी होती है, निशानियां बड़ी भी होती है। पूरी कायनात निशानियां याद, लेकिन इन निशानियों में सबसे बड़ी निशानी इंसान। हर इंसान अल्लाह के वजूद की निशानी, लेकिन इन इंसानों में जो मोमिन है वो उससे बड़ी निशानी। हर मोमिन अल्लाह के वजूद की निशानी, लेकिन मोमिन में जो मुत्तकी परहेजगार है उससे बड़ी निशानी। हर मुत्तकी परहेजगार अल्लाह के वजूद की निशानी, लेकिन मुत्तकीन में जो साहिबान इल्म है उनसे बड़ी निशानी। हर साहिब इल्म अल्लाह के वजूद की निशानी, लेकिन उलमा में जो मुज्तहिदीन है उनसे बड़ी निशानी। हर मुज्तहिद अल्लाह के वजूद की निशानी, लेकिन मुज्तहिदीन में जो मराजे है उनसे बड़ी निशानी। हर मरजा अल्लाह के वजूद की निशानी, लेकिन मराजे के ऊपर जो इमाम है उससे बड़ी निशानी। तवज्जो, हर इमाम अल्लाह के वजूद की निशानी, हर नबी अल्लाह के वजूद की निशानी। तो निशानियां अदना भी है, निशानियां आला दर्जे की भी हैं। अगर ये देखना है कि मैंने कब अल्लाह की निशानी को पहचानवाया तो पहले निशानियों को समझो, निशानियों को पहचानो। देखो, जमीन अदना दर्जे की निशानी थी, आदम का काम था कि जमीन की हकीकत को पहचानवाए। पानी अदना दर्जे की निशानी थी, नूह का काम था कि पानी की हैसियत को बताएं। आग अदना दर्जे की निशानी थी, इब्राहिम का काम था कि आग की मादियत को वादे करें। तवज्जो, जितनी भी चीजें गुज़श्ता किया इनका काम था कि अदना दर्जे की निशानियों को बताएं। मैं सैयदुल नबिय्यीन बन के आया हूँ, खातिमुल मुरसलीन बन के आया हूँ, सरदार अंबिया बन के आया हूँ, सरदार मुरसलीन बन के आया हूँ। मैं तमाम अंबिया में अफजल हूँ, लिहाजा मेरा काम छोटी निशानियों को पहचानवाना नहीं था, बड़ी निशानियों को पहचानवाना था। बड़ी निशानियों को पहचानवाना। या रसूल अल्लाह आपने बड़ी निशानियों को कब पहचानवाया? आवाज आएगी, ये क्यों कहते हो मैंने बड़ी निशानियों को कब पहचानवाया? ये क्यों नहीं कहते कि मैंने उन बड़ी निशानियों को कब नहीं पहचानवाया, कहाँ नहीं पहचानवाया, कब नहीं पहचानवाया, कहाँ नहीं पहचानवाया? बर्फ में नहीं पहचानवाया, कि रब में नहीं पहचानवाया, कि सफर में नहीं पहचानवाया, कि हजर में नहीं पहचानवाया, कि जंग के मौके पर नहीं पहचानवाया, कि सुबह के मौके पर नहीं पहचानवाया, बाजार में नहीं पहचानवाया, कि मस्जिद में नहीं पहचानवाया, मेहराब में नहीं पहचानवाया, कि मेंबर में नहीं पहचानवाया, अखबार में नहीं पहचानवाया, कि असहाब में नहीं पहचानवाया, मदीने में नहीं पहचानवाया, कि मक्के में नहीं पहचानवाया, हिजरत की शब में नहीं पहचानवाया, आलम देख नहीं पहचान पाया, छोटे बच्चे नहीं पहचान पाया कि अमीर के सवाल लाख से बच्चे में नहीं पहचान पाया। पहचान पाना मेरा काम था, पहचान पाना तुम्हारी के अल्लाह के निशानियों। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, हसन हुसैन मेरी दो आंखें, अली को मुझसे वो निस्बत है जो जिसको सर से होती है। इन तीनों हदीसों में अव्वल तो कोई ये नहीं कह सकता कि पैगंबर अली का ताल्लुक इसलिए पेश कर रहे हैं कि अली उनके भाई, अली उनके दामाद है, फातिमा उनकी बेटी है, हसन हुसैन वाले बात वाले हो गई कि पैगंबर की जिम्मेदारी है अल्लाह की निशानियों को पैदा करना। जो कुछ भी कह रहे हैं पंजतन के बारे में अपने फरीज़े मनसबी को अदा कर रहे हैं, अपनी रिसालत की जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, रिसालत के तहत कर रहे हैं और तशबीह दे रहे हैं आज़ाइश जिस्मानी से। इनको हमसे जुदा न समझना, अली को मुझसे जुदा न समझना, फातिमा को मुझसे जुदा न समझना, हसन हुसैन को मुझसे जुदा न समझना। और मैंने अर्ज किया कि कलाम मासूम में बलागत होती है किस तरह। तो अभी मिसाल मैंने जर्दी और सफेदी थी, ये पैगंबर का इशारा है। पैगंबर कहते हैं अली को मुझसे वो निस्बत है जो जिस्म को सर से होती है। अज़ीज़ान मोहतरम, सर भी जिस्म का एक हिस्सा है, हाथ भी जिस्म का एक हिस्सा है, पाँव भी जिस्म का एक हिस्सा है, उंगलियां भी जिस्म का एक हिस्सा है। लेकिन अज़ा दो तरह के होते हैं। कुछ वो अज़ा होते हैं कि अगर उन्हें कुल से जुदा कर दिया जाए तो कुल के वजूद पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुल के वजूद पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कुछ वो अज़ा होते हैं कि अगर उन्हें जुदा कर दिया जाए तो कुल का वजूद सख्त हो जाता है। उंगलियां इंसान मरेगा नहीं, हाथ किसी का काट दें इंसान मरेगा नहीं, पांव किसी के काट दें इंसान मरेगा नहीं, मगर सर काट दीजिए तो इंसान मर जाएगा। पैगंबर ने कहा अली को मुझसे वो निस्बत है जिसको सर से होती है, यानी सब अलग हो जाए मगर मेरा वजूद सारी रहेगा। मगर अली को जुदा कर दोगे तो तभी लोग जिंदा हो तो तुम्हारे मुमकिन ही नहीं है कि लब पे ठहर जाए मोहम्मद। अरे उस वक्त मोहम्मद की शुआओं का असर दे जब 14 सितारों में बिखर जाए। कसीरा गिनाने की बात नहीं है, मौलाए कायनात को सर से ताबीर किया और सर का सबसे बड़ा फायदा है। अज़ीज़ान मोहतरम, जिस्म की शनाख्त हमेशा सर से होती है। अगर जिस्म में सर न हो तो जिस्म को पहचाना नहीं जा सकता है। आप कितनी खबरें इस तरह रोजाना सुनते हैं टीवी में, पढ़ते हैं अखबार में, जिसके ना सर नहीं था शनाख्त नहीं हो सकी, शनाख्त नहीं हो सकी। तो जिस्म की पहचान हमेशा सर से होती है। पैगंबर ने कहा अली की हैसियत मेरे लिए सर की है, यानी अगर नबूवत की मारिफत हासिल करना है सही मारिफत, नबी को पहचानना है सही तरीके पे, तो अली को साथ लेके आना, अली के जरिए से पहचानना। यही वजह है कि जिन्होंने पैगंबर को अली के जरिए से पहचाना वैसा नबी समझ में आया जैसा उधर से भेजा गया, जैसा उधर से महबूस हुआ था। लेकिन जिन्होंने अली को छोड़कर पैगंबर को समझा था वो रंगीला रसूल से एक कदम भी आगे कर सके। और जिगर भी जिस पैकिस्तान जिगर भी जिसमें सर का काम वो मैंने आपकी खिदमत। जिगर का क्या काम है? जिगर का क्या काम है? जिगर आजाए रईसा में उस अहम तरीन अजो का नाम है जो जिस्म के तमाम हिस्सों को खून से भर देता है, खून से भर देता है। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा हिस्सा है, मेरा जिगर है। तो यह बताना चाहते हैं कि यही फातिमा है जिसका खून इस्लाम की रगों में दौड़ेगा, जिसके वजूद से नबूवत की शफाअत का बुशारा रहेगी, जिसके वजूद से इमामत की हया। देखिए अगर जिगर अपना काम करना बंद कर दे तो जिस्म जिंदा रहेगा ही मर जाएगा। कितना अहम काम है जिगर का। हुसैन फातिमा के लाल का नाम है, हसन फातिमा के लाल का नाम है, ये जितने इमाम फातिमा के लाल हैं। लिहाजा इन्होंने अपनी शहादतों के जरिए इस्लाम के दरख्त को सब्ज़-ओ-शादाब किया। ये है जिगर का काम। लेकिन इससे ज्यादा लताफत, इससे ज्यादा बलागत अज़ीज़ान मुहतरम, अली को सर से ताबीर किया, हसन और हुसैन को आंखों से ताबीर किया, लेकिन फातिमा को जिगर से ताबीर किया। क्यों? दो तरह के आज़ान हैं। कुछ वो हैं जो सामने रहते हैं, आंखों के दिखाई देते हैं, कुछ वो हैं कि जो छुपे रहते हैं, दिखाई नहीं देते। काम अहम जरूर है मगर निगाहों के सामने नहीं आते। मौला कायनात को सर से ताबीर किया कि इनका ताल्लुक सिलसिले रिजाल से था, मर्दों के सिलसिले था, और शहजादी को जिगर से ताबीर किया तो हमेशा मरते हुए रहता, कभी नजर नहीं आता। लेकिन फातिमा मुखद्दर है, इसमत व तहारत, हिजाब नशीन इसमत व तहारत। और हसन हुसैन दो आंखें, आंखों का काम क्या है? आंखों का क्या फायदा है? चीजों के, आंखों का अदना तरीन फायदा चीजों के वजूद का इदराक। जब हम देखते हैं किसी चीज को तभी तो उसके वजूद का इदराक हासिल करते हैं। तो आंखें किसी चीज को देखती हैं और पहचानती हैं। और आंखें दो हैं, इसे देखिए, आंखें दो हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन दो आंखों में से कौन सी आंख ज्यादा अहमियत रखती है? कौन सी आंख, दाएं तरफ की बाएं तरफ की? अज़ीज़ान मोहतरम, अगर कोई कहे कि ये आंख और वो आंख, तो उस वक्त पता चलेगा, खुदा न खास्ता एक बार भूल हो जाए, तब पता चलेगा कि कौन सी आंख। आंखों का अदना तरीन फायदा चेहरे की हुस्न और खूबसूरती का बायस है आंखें, चेहरे के हुस्न और खूबसूरती का बायस है आंखें। कहा हसन और हुसैन मेरी दो आंखें हैं, यानी अगर नबूवत का निखरा हुआ चेहरा चाहिए तो हसन और हुसैन को साथ लेके आना, हसन और हुसैन को साथ लेके आना। और ये दोनों मेरी आंखें हैं। अल हसन वल हुसैन इमामान तामा व कादा, एक से सुलह का किरदार सामने आएगा, एक से जंग का किरदार सामने आएगा। लेकिन याद रहे कि सुलह या जंग ये दोनों के दोनों इस्लाम के लिए हैं, ये दोनों मेरी सीरत की तशरीह करती हैं। तो याद रहे, अगर हसन और हुसैन के रवैये से, इनकी जंग और इनकी सुलह से इस्लाम को देखोगे तो इस्लाम की वो मारिफत समझ में आएगी जो अल्लाह की तरफ से भेजा गया है। और अगर इन आंखों को छोड़ दोगे तो अंधे बन जाओगे, न इस्लाम समझ में आएगा, न कुरान समझ में आएगा, न हदीस समझ में आएगी, न तफसीर समझ में आएगी। अल हसन वल हुसैन, ये पैगंबर के इलानात, पैगंबर के फर्द मंसबी की पेशनजर थी। अहले बैत का तारुफ, पंजतन का तारुफ इतने मुआसिर अंदाज में, अगर जरा बराबर मुसलमान में हमियत होती, गैरत होती, हक तलबी होती, तीनत पाक पाकीज़ा होती, तो कोई जलाल नहीं बनता था। पैगंबर के बाद इन्हें मसले को आला पहुंचा। मैंने अपनी गुफ्तगू अगर दाखिल से शुरू हुई थी, लेकिन उसे मुअय्यन वक्त में तमाम करना है, इसलिए मुख्तसर कर दी। इंशाअल्लाह जो दिन बाकी बच रहे हैं कोशिश करूंगा उसमें अपने मौज़ू को मुकम्मल कर दें। आज 5 मुहर्रम की तारीख हो चुकी है। ये के वादे की करे आज़ा के दिन तेजी से गुजरते चले। अज़ीज़ान मोहतरम, जब माह मुबारक विकसित होता है तो आखिरी जुमे में आप ये दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा ला तजअलहू आखिरल अहद बिज़ियाना। ऐ बाबू इस माह मुबारक को हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान आखिरी रोजा कराना। इसी सूरत से जब अय्याम अज़ा रुख्सत होते हैं तो हमारे चमकते हुए आंसू बारगाह इज़्ज़ती में यही कहते हैं कि माबूद इन अय्याम अज़ा को, इस अज़ादारी को हमारी जिंदगी की आखिरी अज़ादारी, हमारी जिंदगी की आखिरी अय्याम अज़ा कराना। अल्लाह ने दुआ को कबूल किया। आप और हम इस साल फिर फर्श अदा पे फातिमा को के नाम का गुस्सा देने के लिए, लेकिन अजीजा नहीं बता करबला इबारत है एक करबला से नहीं बल्कि करबलाओं से, यानी खुद एक करबला में कितनी करबला छुपी हुई। इसे पूछा आज मुझे ज़ैनब के डांडों का तस्करा, आज ज़ैनब के जिगर के टुकड़ों का तस्करा कर रहे हैं। कौन ज़ैनब के लाडले जिन्हें तारीख कौन मोहम्मद के नाम। अज़ीज़ान मोहतरम, शहजादी तो करबला में मज़ाहिर मौजूद नहीं थी, लेकिन जनाब ज़ैनब मौजूद थी। लेकिन अजीजान को नहीं पता है कि जो रसगई मैंने ऐसा नहीं कि शैतानी कर रहा है। ज़ैनब सानिया ज़हरा बनके उन तमाम फराइज़ को अंजाम दे रही थी अगर शैतानी को नहीं चाहती तो। लेकिन फिर भी ज़ैनब एक माँ भी तो है, ज़ैनब एक माँ भी तो है, और एक माँ के लिए उसके लाडले सबसे ज्यादा अजीज और प्यारे होते। लेकिन अल्लाह एक तरफ ज़ैनब के दिल में बहन की मोहब्बत है तो दूसरी तरफ माँ की मोहब्बत है, और इन दोनों मोहब्बतों में अगर कोई कश्मकश सोची जा सकती है तो ज़ैनब ने बहन की मोहब्बत को गलावा दिया माँ की मोहब्बत पे। यही वजह है कि शब आशूर और मोहम्मद से कह रही है बेटो ए मेरे जिगर के टुकड़ो, तुम्हारे बाबा तो करबला में मौजूद नहीं है, तुम्हें हमारी तरफ से अपनी कुर्बानियां पेश करना है। और देखो हमारी माता ने गिरामी से हमें ये शब आशूर और फिर उसके बाद आशूर करे जनाब ज़ैनब हर थोड़े थोड़े वक्फे में जाएगा मोहम्मद को जोश बगा और जोश शुजात दिला रही मेरे लाड लो। जाहिर सी बात है कि तमाम तफसीलात वजूद किया तारीफ नहीं। मेरे लाड लो तुम जाफर तैयार के फर्द के भतीजे हो, मेरे लाड लो तुम किस खानदानी की फर्द हो, इसे दिल में रखो। देखो कभी भी जंग से पुष्ट न दिखाया और फिर जनाब मोहम्मद को रवाना किया। तफसीलात अज़ीज़ान को समझा रहे मुकम्मल गए। आखिर में वो वक्त आया जब फ़ज़ाए करबला में आवाज गूंजी, मौला हमारी आखिरी, हमारा आखिरी सलाम बदल दे। इमाम आले मकाम मैदान करबला में पहुंचे, जनाब और मोहम्मद को जख्मी हालत में खैमे में लाए। बात तारीख बताती है कि जिस वक्त जनाब और मोहम्मद को खैमे में लाए इमाम, तो उस वक्त जनाब और मोहम्मद के जिस्म में जिंदगी की कोई रमक बाकी थी, यानी जान मौजूद थी। बीवियों ने हल्का कर दिया, तमाम बीवियां मातम कर रही हैं, तमाम बीवियां मातम कर रही हैं। ऐसे में निगाहें माँ को ढूंढती है, माँ को तलाश करती है। तमाम बीवियां मौजूद है, उम्मे कुलसूम मौजूद है, तमाम मौजूद है, तकिया मौजूद है, सकीना भी मौजूद है, आखिर ज़ैनब कहाँ और मोहम्मद की माँ ज़ैनब कहाँ। अज़ीज़ान मोहतरम जब जनाब ज़ैनब को तलाश किया गया तो देखने वाले ने ये मंजर देखा कि बीवी सर को मुसल्ले में सजदे में रखे हुए का हौसला जनाबे ज़ैनब को मिला और जनाबे ज़ैनब ने अपने लाडलों को कुर्बान किया। लेकिन एक माँ का ये हक नहीं है तो अपने फर्जंदों में आंसू बहाए, अपने फर्जंदों का मातम करे। अजीज़ान मोहतरम, अगर ज़ैनब और मोहम्मद का मातम करना चाहती तो अभी अब्बास मौजूद है, कौन रोक सकता था उन्हें मोहम्मद को रोने पे। अब अगर ज़ैनब और मोहम्मद का मातम करना चाहती तो हुसैन मौजूद है, कौन रोक सकता था ज़ैनब को और मोहम्मद में आंसू बहाने से। लेकिन ज़ैनब ने यह सोच के आंसू न बहाए कहीं ऐसा न हो कि भैया के दिल में से यार पैदा हो जाए कि मेरी बहन अपने फर्जंदों को कुर्बान करके इस तरह आंसू बहा रही है, निराश हो गई है। अजीज़ान मोहतरम, लिहाजा उस वक्त भी नहीं, और जब इमाम शहीद हो गए तो फिर जनाब ज़ैनब अब भी उन मोहम्मद को नहीं रो रही, और उन मोहम्मद को क्या रोती, इसलिए कि खुद माजाए पे उन्हें नहीं किया जा रहा है। हाँ, बस मैंने गुफ्तगू समेटी, अब आप रोएंगे, मातम करेंगे, बुलंद आवाज सुनवाएंगे। अजीजों, हाँ वो मौका आ गया जब ज़ैनब को अपने माजाए पे रोने का मौका मिल गया, तब जब जिंदाने शाम से रिहाई मिली और तमाम बीवियों ने अपने अपने वालिदों को रोना शुरू किया तो ज़ैनब ने अपने माजाए का मातम शुरू कर दिया। अगर वही दश्त में, दश्त के अंदर तो छोटे छोटे सर थे जिनमें रोने के लिए कोई नहीं मालूम थी। शाम की औरतों ने देखा कहा कि ये केवल छोटे सर हैं, क्या इनकी मानियां मालूम नहीं। अब पहले शाम से रिहाई मिली, रोने का मौका हासिल हुआ, तब भी जनाबे ज़ैनब ने उन मोहम्मद का मातम न किया। करबला वापस आई, फिर भी जनाबे उन मोहम्मद का वापस मातम न किया।